पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अपने से ज्यादा अपने क्षेत्रवासियों और लोगों की चिंता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज उनके द्वारा अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए सैनिटाइजर और जीवन रक्षक सामान भिजवाया गया। इस मौके पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को कोरोना के इस संकट काल में प्रशासन और सरकार का सहयोग करने की अपील भी की। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेंद्र ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि वीरभद्र सिंह ने अर्की विधानसभा क्षेत्र की सभी 71 पंचायतों को सैनिटाइजेशन करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अर्की नगर पंचायत को भी सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि सभी क्षेत्रवासी सुरक्षित रहें। ठाकुर ने बताया कि जहां एक ओर अर्की विधानसभा क्षेत्र के समूचे क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है, तो वहीं विधायक वीरभद्र सिंह ने सिविल अस्पताल कुनिहार में 40 पीपीई किट, 7 ऑक्सीमीटर तथा 40 पीपीई किट व 20 ऑक्सीमीटर खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राधा शमन को सौंपे हैं, ताकि चिकित्सक जो कोरोना वॉरियर बनकर लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं में लगे हुए हैं वे सुरक्षित रहें। उन्होंने बताया कि इसके अलावा क्षेत्रवासियों को भी कोई परेशानी ना हो, इसके लिए 3 एम्बुलेंस व 1 शव वाहन का भी प्रबंध किया गया है, जिसके लिए वे समस्त कांग्रेस पदाधिकारियों का धन्यवाद करते हैं। कोविड-19 के जो इस वक्त भारत में जो हमारी महामारी फैली है, उसके चलते हमारे जो अर्की विधानसभा क्षेत्र हैं उनके जो विधायक हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह जी, जो जिनका आजकल स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, बावजूद उन्होंने अपने जो खराब स्वास्थ्य के चलते भी अर्की विधानसभा क्षेत्र के समूची 71 पंचायतें प्लस एक नगर पंचायत को टोटल सैनिटाइज करने का निर्णय लिया है, जिसके चलते इन्होंने जो सैनिटाइजर और बाकी अदर इक्विपमेंट, आपकी पीपीई किट और आपका जो ऑक्सीमीटर है, ये सब सामान भेजा है, जिसको हम एक कमेटी और पंचायत वाइज सभी एक 71 पंचायतों की सूची बनाकर आज हम रवाना कर रहे हैं। अगले कल से ये हर एक पंचायत वाइज जो है सैनिटाइज करने का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें हमारे कार्यकर्ता और पंचायत प्रतिनिधि, बीडीसी मेंबर, सबके सभी इकट्ठे होकर एक तरीके से कोविड-19 का जो हमारी जो गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए सारे अर्की विधानसभा क्षेत्र में सैनिटाइज करेंगे। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। हमें माननीय SDM अर्की ने 3 दिन की परमिशन दी है। 50 किट जो है पीपी किट और प्लस जो डॉक्टर हैं साथ, सभी डॉक्टरों को एक एक ऑक्सीमीटर ये राजा वीरभद्र सिंह जी की तरफ से जो विधायक उन दिया जा रहा है। और इसके साथ ही अर्की जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है उसमें टोटल जितने अर्की कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने हमारे चिकित्सक हैं उनको सभी को ऑक्सीमीटर और प्लस 40 जो इसके जो पीपी किट हैं ये जो इनको हम DMO जो हम डॉक्टर हैं उनको हैंड ओवर करेंगे। साथ ही इसके बाद सैनिटाइजर और जो आपका जो मास्क है N95 मास्क, इस पे ये निर्णय लिया है राजा वीरभद्र सिंह जी ने कि जितने भी हमारी आशा वर्कर और मेडिकल स्टाफ है होल अर्की कॉन्स्टिट्यूंसी का, जिसमें हमारी टोटल 71 पंचायतें हैं, तो तकरीबन ये सारा अराउंड ओवर 600-700 के हेल्थ वर्कर हमारे आशा वर्कर बनेगी जो लगातार फील्ड में जा रही हैं, इनको N95 मास्क और एक एक सैनिटाइजर इन सबको 3 और 4 दिन के अंदर मुहैया करा दिया जाएगा। साथ ही इसके बाद जो भी मेडिकल इक्विपमेंट जैसे आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, आपके एम्बुलेंस हैं, डेड बॉडी वैन है, इनके लिए भी साहब ने आज कोई बड़ा निर्णय लेना है। उम्मीद है कि अर्की विधानसभा क्षेत्र को दो एक एम्बुलेंस और एक डेड बॉडी जो मॉर्चरी व्हीकल जिसको बोलते हैं वो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, क्योंकि कोविड-19 के चलते कई जगह देखा गया है कि डेड बॉडी जो है वो वहाँ पे लोग लिफ्ट करने में थोड़ी आनाकानी कर रहे हैं। एम्बुलेंस है जो राजा वीरभद्र सिंह जो द्वारा दी जा रही है, इन एम्बुलेंसों में बकायदा हम 2-2 सिलेंडर का प्रावधान करा रहे हैं कि दो जो आपका जो पेशेंट है वो घर से या छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल तक विद ऑक्सीजन वहाँ तक लिफ्ट हो। तो ये अभी बननी शुरू हो चुकी है, तो उम्मीद है हफ्ते तक ये आपको ये पूरी विधानसभा क्षेत्र में इसकी सुविधा आपको मिल जाएगी। साथ ही राजा वीरभद्र सिंह जी ने ये अर्की विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि अपने खराब स्वास्थ्य के चलते भले ही वो आपके बीच में नहीं आ सकते हो, लेकिन जो भी विधायक की तरफ से जो भी प्रायोरिटी कोविड-19 के समाधान के लिए उसका संक्रमण रोकने के लिए बनती है वो अर्की विधानसभा क्षेत्र में कोई कमी नहीं रहेगी। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि इसमें जो और भी अन्य
जिस कोविड पेशेंट की जो डेथ होगी उनके परिवार को जो आर्थिक और अन्य सहायता जो भी संभव होगी वो विधायक की तरफ से आपको विद इन 2 or 3 months आपको घर द्वार पे मिलेगी, ऐसा राजा वीरभद्र सिंह जी ने अर्की विधानसभा क्षेत्र लोगों से एक वायदा किया है। अर्की का और जिला सोलन का जो प्रशासन है वो हमें बहुत मदद कर रहा है और हम सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। वीरभद्र सिंह जी का आदेश है, इसमें किसी किस्म की कोई पार्टीबाजी या टिक्का टिप्पणी ना की जाए और केवल सब लोगों की हेल्प की जाए।